अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब है ही ऐसे होंगे। और मैं बनाने जा रही थी चिकन शारमा और रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें और सपोर्ट किया करें, आगे भी शेयर किया करें। ये शवरमा मैंने बच्चों के लिए रेडी किया था, बिल्कुल सिंपल। इसमें मैंने कोई प्याज और कोई बंद गोभी वगैरह नहीं डाली। बाजार से एक शवरमे की नस्बत आप घर में 3-4 शवरमे बना सकते हैं, मेरी तरह घर में ही बनाया करें। इसके लिए मैंने ले ली थी चिकन, बोनलेस हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ना भी हो तो आप इसकी हड्डियाँ अलग कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला था 2 से 3 चम्मच सिरका और सोया सॉस 2 चम्मच और 2 ही चम्मच मैंने चिली सॉस डाला था और धड़ा मिर्च डाली थी 1/2 चम्मच, काली मिर्च डाली थी 1/2 चम्मच और लाल मिर्च डाली थी मैंने 1/2 चम्मच, हल्दी डाला था 1 चम्मच छोटे वाला और नमक ऐड किया था हमें ज़रूरत, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसे मैरिनेट कर दिया था अच्छी तरह से और इसमें मैं ऑयल डालूँगी तकरीबन 1 कप और इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी 1-1 चम्मच और इसे मैरिनेट करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। जितना ज़्यादा हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही उसका मसाला अच्छी तरह जज्ब हो जाएगा। और ये मैंने 3 लीमू लिए थे, इससे भी टेस्ट अच्छा आ जाता है। और अब मैंने इसको चढ़ा दिया चूल्हे पे और उसी आयल में ये पकेगा, आपने और आयल नहीं डालना जो मैरिनेशन करते हुए आपने डाला था। और हल्की आँच पे पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी चिकन रेडी हो गया। और अब मैंने ब्रेड ले लिया है शवरमा ब्रेड, उसको हल्के से आयल में फ्राई करूँगी आयल या घी में। और साथ पैन में मैंने ले ली थी चिकन और उसमें मैंने मायो ऐड की थी और केचप, अगर आपके पास केचप नहीं तो आप पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरी ब्रेड रेडी थी और अब मैं इसमें मायो लगा रही हूँ और इसमें ये देखें केचप की जगह मैंने इसमें डाल दी है पिज़्ज़ा सॉस, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ और साथ में ये देखिए बंद गोभी और थोड़ी सी प्याज। बच्चों के लिए जो शवरमा मैंने रेडी, उसमें मैंने बंद गोभी और ये प्याज वगैरह नहीं डाली थी, इसलिए आप भी जरूर ट्राई।